मैंने पहली बार मुंबई आया था प्रमोशन के लिए, वो थी मक्खी के लिए, और अजय देवगन सर भी थे वो प्रेस मीट पे, और सो उनके सपोर्ट के साथ ही फर्स्ट मैं इंट्रोड्यूस हुआ यहाँ पर। तो अभी दूसरा बार आ रहा हूँ, अभी भी ऐसा फीलिंग है कि उनके सपोर्ट से आ रहा हूँ इस फ्राइडे भी, उनके हाथ पकड़ के भोले के साथ। तो दोस्तों, साउथ के नेचुरल स्टार एक्टर नानी ने आने वाली अजय देवगन की फिल्म भोला और अजय देवगन के ऊपर काफी बड़ा खुलासा किया है, मतलब फिल्म को लेकर के दिल जीतने वाले स्टेटमेंट दिया है। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, सब कुछ बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि 30 मार्च 2023 को दो बड़ी फिल्में रिलीज हो रही है बॉक्स ऑफिस पर, और दोनों के बीच बहुत बड़ी क्लैश देखने को मिलने वाली है ऑडियंस के हिसाब से, जिसमें से एक फिल्म है भोला, जिसको डायरेक्ट खुद किए हैं अजय देवगन और लीड एक्टर के तौर पे काम भी किए हैं अजय देवगन। इनके अलावा अमला पॉल, तब्बू, दीपक डोबरियाल, गजराज राव, विनीत कुमार, संजय मिश्रा एंड और भी काफी सारे कलाकार हैं इस फिल्म में। फिल्म भी काफी शानदार है। और दूसरी जो फिल्म है वो है साउथ की दशहरा मूवी। दोनों फिल्में एक ही दिन रिलीज हो रही है 30 मार्च 2023 को। ऐसे में दशहरा फिल्म के ट्रेलर इवेंट के दौरान किसी मीडिया पर्सन ने पूछ दिया एक्टर नानी से कि भोला आपकी दशहरा फिल्म से क्लैश करने वाली है, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे। तो उन्होंने काफी बड़ा स्टेटमेंट दिया, मतलब दिल जीतने वाला स्टेटमेंट दिया। उन्होंने बताया कि जब मैं पहली बार यहाँ पे मुंबई में आया था अपने फिल्म के प्रमोशन के लिए, यानी कि मक्खी फिल्म के प्रमोशन के लिए, तो उस टाइम अजय देवगन सर के द्वारा ही मुझे इंट्रोड्यूस कराया गया था, जो कि मुझे काफी अच्छा लगा था कि उनके तरफ से मुझे एक सपोर्ट मिला था। और इस टाइम भी मुझे ऐसा ही लग रहा है, मतलब अंदर से फीलिंग आ रही है कि भोला का हाथ पकड़ के आया हूँ मुंबई अपने फिल्म को लेकर के, तो मुझे काफी अच्छा लग रहा है और इसमें कोई क्लेश की बात है ही नहीं। अजय देवगन मुझे काफी सपोर्ट करते हैं और इस बार भी मुझे ऐसा ही लग रहा है कि भोला के वजह से ही दशहरा फिल्म भी हिट होगी। उन्होंने ये भी बताया कि जब फ्राइडे को मेरी फिल्म आएगी तो सबसे पहले मैं भोला फिल्म ही देखने जाऊंगा, उसके बाद ही दशहरा फिल्म देखूंगा। तो दोस्तों, ये एक्टर नानी की तरफ से काफी बड़ा और दिल जीतने वाला स्टेटमेंट था, मतलब मजा आ गया सुन के। और ऐसे में भाई, इन दोनों फिल्मों के बीच में कोई क्लेश की बात है ही नहीं, वो तो प्रोडक्शन हाउस की तरफ से क्लेश का न्यूज आते रहता है, लेकिन दो बड़े सुपरस्टार के बीच हमेशा दोस्ती बनी रहती है। और ऐसे में अजय देवगन भी साउथ के काफी बड़े बड़े फिल्मों को सपोर्ट किए हैं, जैसे कि पुष्पा मूवी हो गई, RRR में कैमियो भी किया था, तो ये काफी अच्छा लगता है देखकर और सुनकर। बाकी मैं भी यही चाहूंगा कि दोनों की दोनों फिल्में सुपर हिट हो। और आपको क्या लगता है, क्या भोला फिल्म ऑल टाइम 350 करोड़ के डाटा को क्रॉस कर पाएगी, या फिर 300 करोड़ का भी डाटा क्रॉस कर पाएगी या नहीं, हमें कमेंट में जरूर बताना। तब तक हम आपसे बहुत जल्द मिलते हैं नए बड़े नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।